रूसी सेना के एक पूर्व अधिकारी ने दावा किया कि यूक्रेन के ड्रोन रूस के परमाणु प्लांटों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मॉस्को में एक दिन पहले हुए ड्रोन अटैक के बाद पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूस के न्यूक्लियर प्लांटों पर भी खतरा मंडरा सकता है, क्योंकि इस साल न सिर्फ मॉस्को बल्कि रूस के कुछ दूसरे शहरों पर भी कई बार ड्रोन से हमला हो चुका है। यानी जेलेंस्की की सेना अब रूस में घुसकर बड़े हमलों को अंजाम देने में जुटी है। एक दिन पहले मॉस्को में क्रेमलिन पर हुए हमले के बाद तो ये खतरा और बढ़ गया, जिसे देखते हुए पश्चिमी मीडिया ने यह तक दावा कर दिया कि अब रूस के परमाणु पावर प्लांटों को भी निशाना बनाया जा सकता है। लेकिन रूसी सेना के एक पूर्व अधिकारी ने दावा किया कि यूक्रेन कुछ भी कर ले, वो रूस के इन प्लांटों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि रूस ने पहले से ही अपने सभी परमाणु पावर प्लांटों की सुरक्षा मजबूत कर रखी है। और रूसी सेना के पूर्व अधिकारी का दावा है कि इन परमाणु प्लांटों का निर्माण इस तरह किया गया है कि उन पर विमान भी गिर जाए तो उन्हें ज्यादा नुकसान नहीं होगा। यानी किसी भी तरह रूस के इन प्लांटों में हमले के बाद भी काम नहीं रुकेगा, क्योंकि पश्चिमी मीडिया यह दावा कर रहा है कि जेलेंस्की रूसी सेना के साथ साथ वहां के लोगों को भी परेशान करना चाहते हैं। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक जिस तरह रूसी सेना ने यूक्रेन में पावर प्लांटों पर हमले कर कई शहरों को अंधेरे में डुबो दिया था, उसी तरह जेलेंस्की भी रूस के पावर प्लांटों को निशाना बनाना चाहते हैं। कहा जा रहा है कि यूक्रेन की तरफ से कभी भी ड्रोन अटैक किया जा सकता है। यानी जेलेंस्की अब पुतिन से बदला लेने की ठान चुके हैं, क्योंकि यूक्रेन में मौजूद ज़ापोरिज़्या परमाणु प्लांट पर रूसी सेना पिछले एक साल से कब्जा किए बैठी है। वहां यूक्रेन के सैनिकों ने लाख कोशिश कर ली, लेकिन वो पुतिन की सेना को नहीं हटा सके। जिसका बदला लेने के लिए जेलेंस्की रूस के परमाणु पावर प्लांटों पर ड्रोन से हमला कर सकते हैं, लेकिन पुतिन की सेना के पूर्व अधिकारी ने दावा किया कि रूस के एयर डिफेंस सिस्टम जेलेंस्की के इस प्लान को फेल कर देंगे। हालांकि यूक्रेन ने इसकी शुरुआत पहले से ही कर दी थी। रूस के मीडिया के मुताबिक हाल ही में कुर्स्क शहर में मौजूद रूस के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमले की कोशिश की गई थी। रूस का यह शहर यूक्रेन की सीमा से महज 450 किलोमीटर दूर है और वहां भी ड्रोन से ही हमला किया गया था। दावा है कि रूस के एयर डिफेंस सिस्टम ने यूक्रेन के इस हमले को नाकाम कर दिया, लेकिन कहा जा रहा है कि रूस पर यह खतरा टला नहीं है, क्योंकि जेलेंस्की के सैनिक आगे भी रूस के परमाणु पावर प्लांटों को निशाना बनाने की कोशिश कर सकते हैं। उखाड़ फेंक देना। दिमित्री मेदवेदेव ने पोस्ट में लिखा कि अब जेलेंस्की की जान लेकर ही यूक्रेन से बदला लिया जा सकता है। दिमित्री मेदवेदेव फिलहाल रूस की सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन हैं। वो पुतिन के ऐसे वफादार हैं कि इतने तेवर तो पुतिन ने नहीं दिखाए जितने कि मेदवेदेव दिखा चुके हैं। वो आए दिन रूस के दुश्मनों को धमकाते रहते हैं। वो कई बार परमाणु हमला करने की धमकी दे चुके हैं, और तो और ब्रिटेन से लेकर पोलैंड जैसे रूस के खिलाफ खड़े देशों पर भी वो बरस चुके हैं। मगर रूस में सिर्फ पुतिन के करीबी मेदवेदेव का ही गुस्सा नहीं भड़का है, बल्कि क्रेमलिन पर हुए ड्रोन हमले के बाद रूस में दूसरे लोग भी बुरी तरह भड़के हुए हैं। रूस के मीडिया के मुताबिक वहां की संसद के स्पीकर ने तो मांग कर डाली कि पुतिन को यूक्रेन पर अब परमाणु अटैक कर देना चाहिए, और इसमें बिल्कुल भी देर नहीं करनी चाहिए। रूस की संसद के स्पीकर विजेस्लाव वोब्जिन ने सोशल मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम पर लिखा कि रूस को अब कीव के आतंकवादी शासन को रोकने और उसे खत्म करने में बड़े हथियारों का बिना देर किए इस्तेमाल कर देना चाहिए। हालांकि ये साफ नहीं हो सका कि विजेस्लाव वोब्जिन किस तरह के हथियारों का जिक्र कर रहे थे, लेकिन माना जा रहा है कि उनका इशारा परमाणु हमले की तरफ था, क्योंकि एक रोज पहले जब से